वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और कल का ब्लॉग अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ज़रूर विजिट करें, क्योंकि मेरा किचन जो है वो बन गया है। अभी काम चल रहा था, ये देखिए पेंट का, तो टेक्सचर वाला, इसमें हमने इस वॉल पर टेक्सचर पेंट करवाया है। तो अभी जस्ट करके गया है वो लोग, सामान वगैरह उन लोग का है, अभी तक नहीं निकाला है। और रात भर भी बोला है सूख जाएगा। और किचन का लुक मैं आप लोग को दिखाती हूँ। किचन एकदम रेडी है और अभी मैं सारा अरेंज करूँगी सामान को। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और पेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कुछ करके चला गया है। तो फाइनली सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है और एक भी काम बाकी नहीं है। तो अब से मेरे घर में खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे किचन में फाइनली हमको मिल गया। और मेरा ड्रीम किचन, मॉड्यूलर किचन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन के साथ। तो आप लोग चैनल में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आप लोग को और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे। किचन का टूर में ज़रूर कराऊँगी आप लोग को, तो आप लोग चैनल में बने रहें ज़रूर से ज़रूर। जितना भी पूजा का कपड़ा था वो सब में बहुत डस्ट हो गया था, तो आज मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। फाइनली सारा घर को मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है, तो अभी थोड़ा चकचक हो गया है। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच, लंच के लिए मैं पानी निकाल लूंगी। और आरब का चल रहा था ऑनलाइन क्लास, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। तो किचन तो क्लीन हो गया है, बट जितने भी डब्बा थे सब कुछ डस्ट हो गया था, पूरा गंदा हो गया था। तो सारा मैंने कल रात में ही धो दिया था, धोने के बाद सुखा दिया था और अच्छे से पोंछ के सारा इसमें सामान को एडजस्ट करूँगी। जितने भी दाल हैं, दाल वगैरह का मैं अलग बॉक्स रखी हूँ, आप लोग को किचन टूर में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए लाऊँगी किचन टूर का वीडियो। और जितने भी मसाले के डब्बे थे सारे को मैंने धो दिया था। और देखिए मसाला मैं डाल दे रही हूँ, नमक मसाला हल्दी जितना भी है जो कुछ, तो इसी टाइम पे मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि हमको एकदम टाइम नहीं मिलेगा। और कल मम्मी पापा लोग भी आ रहे हैं, तो कल तो एकदम टाइम नहीं मिलेगा, जो करना है सो आज ही करना है। तो सब कुछ डाल दे रहे हैं, अभी तो खैर दोपहर का टाइम हो रहा है, रात तक सारा कर लूँगी अरेंज। तो एक तरफ खाना भी बन रहा है क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है। इवनिंग स्नैक्स टाइम, तो अभी हम लोग इवनिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या खाएं। तो आरव कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो हम लोग दो सर्व किए हैं, हम लोग दो बाउल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डाले हैं। और तो नया किचन में आप खाना बना रहे हैं? खाना बना नहीं रहे, खाना ऑलरेडी बना हुआ है, असेंबल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग। पापा तुम क्यों गिरा रहे हो चूल्हा? नहीं गिरा बेटा। तो आज का जो टेक्सचर पेंट था वो भी सूख गया है ऑलमोस्ट। और आप लोग देख सकते हैं मेरे घर का हालत, अभी जो ये स्टेयर है ये इस दोनों नीचे जाएगा। अरे थोड़ा सा वार्म मिल्क में, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, वार्म मिल्क में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्लॉक्स डाल दिया है। और हम लोग चीनी नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे शहद, चीनी डालेंगे, हम लोग डालेंगे शहद थोड़ा सा, लगभग आधे चम्मच के आसपास, इधर है चम्मच भाई। किचन अभी तक सेट नहीं हुआ है, वही मैं आज दिन भर कर रही थी, लेकिन अभी भी देख रहे हैं आप लोग सामान कितना बिखरा है। और सारे बर्तन को इस तरह से धो के रखी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, जा रही हूँ मैं पूजा देने के लिए, पूजा देने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। शाम का पूजा मेरा हो गया है, पूजा होने के बाद मैं बनाऊंगी अभी चाय।
तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं फटाफट गर्मा गर्म चाय। किचन तो अच्छे से क्लीन हो गया है और थोड़ा सा ये टीवी यूनिट को भी क्लीन करना था, उसमें भी एक्चुअली डीप क्लीन हो गया है लेकिन ऊपर में थोड़ा सा डस्ट थोड़ा सा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉलिन से इसे साफ कर दूंगी। थोड़ा देर बैठेंगे, गप सप करेंगे क्योंकि बहुत काम हो गया, बहुत थक गए हैं हम लोग और क्लीनिंग का भी बहुत था, किचन को भी सेट करना पड़ा, तो ऑलमोस्ट सेट हो गया है। थोड़ा बहुत सामान जो है वो बिखरा है, आप लोग देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और एक गुड न्यूज़ है कि आरब का बर्थडे है मंडे को, तो हम लोग तो अभी कुछ ऐसे सोचे नहीं है कोविड की वजह से, घर ही में सोच रहे सेलिब्रेट करेंगे छोटा मोटा। तो और इसके नाना और नानी और इसके मामा आ रहे हैं कल, तो आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेंगे ज़रूर, तो आप लोग ब्लॉग मिस मत करिएगा, ज़रूर ब्लॉग देखिएगा। तो चलिए चाय पीते हैं। गर्मा गर्म चाय बन गया है और चाय के साथ मैंने थोड़ा सा लाया है मिक्सचर, क्योंकि चाय के साथ नमकीन वाला चीज़ अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मुझे नमकीन बहुत पसंद है। और मैं लग गई हूँ चाय पीने के बाद थोड़ा सा ये क्लीन कर रही हूँ टीवी यूनिट, और आप लोग देख सकते हैं कितना वाइट दिख रहा है, तो इसी को मैं पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। लेकिन उम्मीद है ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा।